फिर एक बार मोदी सरकार लोडिंग। तो कुल मिलाकर मोदी 3.0 लोडिंग, बीजेपी ने ये ट्वीट करा है। हमारे साथ सम्राट चौधरी का रिएक्शन है, जो कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, साथ ही डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है बिहार के। आइए सुनते हैं क्या बोला है सम्राट चौधरी ने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सम्राट जी, आज चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, बीजेपी की क्या तैयारी है? पूर्ण रूप से ये लोकतंत्र का पर्व है, इसके लिए पूर्ण रूप से हम स्वागत करते हैं। और लोकतंत्र में जनता के बीच में जाना और जनता का आशीर्वाद लेकर फिर से सरकार स्थापित करना, ये भाजपा का एजेंडा है। भाजपा विकास के मुद्दे पर आज जनता के बीच में जाने का काम करेगी। मुद्दे क्या होंगे? मोदी जी के विकास कार्य किए हुए, गरीब कल्याण और गरीबों की सुरक्षा, गरीबों को 5 लाख तक का जीवन बीमा देना, ये पूर्ण रूप से जनता के बीच में जाने का काम। 40 सीट है, 39 आप लोगों के पास है, इस बार कितना? एकदम 40 की 40 सीट, 100% मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी के वरीय नेता अभी इस पर वार्ता कर रहे हैं, यथाशीघ्र बताने का काम किया जाएगा। तो ये थे उप मुख्यमंत्री और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इस बार 40 में 40 सीट जीतना लक्ष्य है। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, न्यूज 18 इंडिया। जीतना बिहार के अंदर लक्ष्य रहेगा। सतीश के सिंह कुछ कहना चाह रहे थे। सतीश जी, क्या कहना चाह रहे थे, आप हाथ खड़ा कर रहे थे। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि पहले बिहार की बात आ रही, तो बिहार में, बिहार जो चुनाव की जो पूरे तारीख है उसमें आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है सीटें बढ़ाना। बिहार में शायद उनको लगता होगा कि सीटें घट सकती हैं, है कि नहीं। और तीसरा जो यूपी है, किसी कीमत पे बचाना या उसको बढ़ाना, तो वो चीज़ इनके स्ट्रेटजी में नज़र आती है। ठीक है, हम ये आरोप नहीं लगा सकते, तो ओपोजिशन वालों का काम है, लेकिन जो चुनाव का शेड्यूल आया है, मैं वही कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन से, उसमें लगता है इससे मदद भारतीय जनता पार्टी उठाने का कोशिश करेगा या ले सकती है। यही मैं भी कह रहा था कि अक्कू श्रीवास्तव, देखिए जहां तक शेड्यूल की बात है तो बिहार को तो मैंने देखा है, अगर वहां शक्ति नहीं है, चीजें नहीं है, अब कितनी है क्या है, वहाँ तो खुलेआम जिस तरीके से बर्बादी होती हुई देखी गई है। अब ज़रूर थोड़ा वो राहत है, लेकिन अगर आपने ज़रा सी भी छूट दी तो कोई ना कोई कदम कैसे भी कोई उठा सकता है। चुनाव आयोग ये रिस्क अभी फ़िलहाल की तारीख में कम नहीं ले सकता कि आप जो है मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाएंगे, उसका मूवमेंट होगा, उसके बिना वो मुश्किल होगा उनके लिए, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी में लंबा चौड़ा प्रदेश है, 80 सीटें हैं, इसलिए वो जो कुछ भी है सब पुराने शेड्यूल में इसलिए रखा, इसलिए ताकि कोई ऐसी बाद में अगर कोई दिक्कत हो या कानून व्यवस्था का सवाल, ये सब पूरा कुल मिला के कानून व्यवस्था और सुविधा के लिहाज से किया जाता है, लोगों के फोर्सेस को लाने ले जाने के लिए और बाकी सामान पहुंचाने के लिए। तो वो उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ना ही कोई ये अनदेखी करना चाहता है कि कहने का मौका मिला कि साहब आपने तो एक में कर दिया, दो में कर दिया, एक शेड्यूल कम कर दिया, टाइम कम कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इस पर आपत्ति उठाने का कोई बहुत बड़ा कारण मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति A1 है देश में? तमिलनाडु की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है, नहीं है। पश्चिम बंगाल की आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। बिहार और तमिलनाडु की बात कर रहा हूं, बिहार और तमिलनाडु की स्थिति बिहार की तुलना नहीं की जा सकती, लॉ एंड ऑर्डर बेटर ही रहा है, इसमें तुलना नहीं की जा सकती। आप उस तरह की स्थिति नहीं है जो जो हम बिहार में देखते हैं या फिर हम पश्चिम बंगाल चुनावों को देखते हुए, चुनावों को देखते हुए मेजर इलेक्शन है इसमें, मतलब हमने चुनावों में उस तरह का माहौल वहां पर नहीं देखा जो पश्चिम बंगाल या बिहार में देखा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी एक दौर में होता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में वो नहीं होता, बिहार में भी नहीं होता, में परिवर्तन नहीं किया। देखिए, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब अच्छी है जी, अब उतनी खराब नहीं है जो कई सालों पहले होती थी, है ना। और जंगल राज नहीं है, वही है, वही एक इंग्लिश जंगल राज पहले कहीं ना कभी हुआ था ना, हालात ऐसे स्थितियां हुई थी, इसलिए तो उसके लिए देखिए पॉलिटिकल बात करनी पड़ेगी अक्कू जी, जस्टिफिकेशन देना हमारा काम नहीं है जी, हम पॉलिटिकल बात ही हो रही हो, पॉलिटिकली बात करें अगर, तो जैसा वो मैं खैर एक अंग्रेजी की कहावत पे जा रहा था उसको छोड़िए, लेकिन पॉलिटिकल बात की भी अगर बात करें तो वो वाला जो 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 दिक्कत थी या जो डर था या जो आशंका थी वो ईवीएम से पहले की वाली ज्यादा होती थी,
ऑब्वियस है, ये ईवीएम से पहले थी लेकिन अब तो ईवीएम पे सारा दोष मढ़ा जा रहा है। वो तो देखिए, वो कभी भी आप कैसे भी कर सकते हैं और कोई भी दोष कर सकता है, लेकिन व्यवस्था के तौर पर सब चीजें स्मूथली हो जाएं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, क्योंकि उसमें गलत मोहर लगाई जाती थी ईवीएम में वो वाली, लेकिन वो किया तो जा सकता है ना, हुआ भी है अभी भी। फर्जी वोट का दूसरे के नाम पे वोट दे देना तो वो तो ईवीएम में भी डाल सकते हो। हाँ, वो तकनीकी जितनी सिक्योरिटी होती है, जिस तरीके से नोट किया जाता है, जिस तरह से चेक किया जाता है, और अब खास तौर से दो दो बार चेक किया जा रहा है, तो इसलिए वो मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी और उसको लेकर के सवाल उठाए जाएं कि साहब ये हुआ ये नहीं हुआ, जितना ज़्यादा हो सके उसमें भी ठीक है। लोकतंत्र का महापर्व है, जैसा हम बार बार आपको कह रहे हैं, और न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आपको भी वोट जरूर डालना है। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। घर के हर व्यक्ति को वोट के लिए लेके जाइए, क्योंकि वोट ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वोट नहीं डाला तो फिर क्या किया? सबसे पहले वोट डालिएगा और उसके बाद कुछ काम करिएगा। किशोर जी, हाँ, तो वोट आपको डालना है, किस तारीख को, वो तारीखें ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने, और नतीजा 4 जून को आएगा। नतीजे जून में चले जाएंगे, इसकी आशंका कह रहा हूं मैं, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी 19 मई पिछले साल। 10 तारीख को पिछली बार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज 17 तारीख हो गई है, तो इसका फर्क तो है ही ना। वो जी 16 तारीख मतलब जी हमारे साथ हमारे साथ रूबिका जुड़ गई हैं, उनका भी रुख कर सकते हैं। रूबिका ओवर टू यू। नमस्ते, आइए। तो ऐलान हो चुका है जी, अमीश आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। कौन से वाले फेज में आप वोटिंग करने वाले हैं? मुझे लगता है कि अभी मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा फेज है, लेकिन निश्चित तौर पर इंटरेस्टिंग है ये जो चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जैसा हमने देखा है। और रूपिका, इस सबसे बड़े दंगल के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो चुनाव है, इस ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व तो है ही, साथ ही साथ सबसे ज्यादा वोटर वोट डालेंगे।